हेलो एंड नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा टारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए अक्टूबर के लिए आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एरीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए फ़र्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज़ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या uh, okay. मैसेजेस है, है, है आपकी एनर्जी है एरीज लियोटेरियस देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपका काफी अच्छा जाने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है Happiness दिख रही है सेटिस्फैक्शन दिख रही है मुझे uh, जिस तरीके से भी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं चाहे वो आपका प्रोफेशनल स्पेस uh, में हो या फिर पर्सनल चीजें हो, बट काफी हैप्पीनेस है आप काफी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं मुझे चीजें uh, जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं ग्रो कर रही हैं आप काफी सेटिस्फाइड हैं कंटेंट हैं फुलफिल्ड हैं एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत भी काफी अच्छी है वेकेशन पर जा रहे हैं शायद या फिर प्रोफेशनल uh, uh, चीज की वजह से शायद ट्रैवल कर रहे हैं बट हैप्पीनेस एंड लक आपको फेवर कर रहा है मे बी कोई चीज टुवर्ड्स दी एंड ऑफ सेप्टेम्बर कोई चीज अटकी हुई थी वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ब्रेक थ्रू मिल जाएगा वो चीज हो जाएगी तो लक आपके लिए चीजें आसान बनाता चला जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एंड ऑल्सो uh, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं किसी चीज को लेकर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं मे बी बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं फैमिली एक्सपैंड कर रहे हैं बट किसी चीज की ग्रोथ हो रही है कोई कुछ बढ़ा रहे हैं आप ठीक है हो सकता है बिजनेस आपका किसी एक लाइन में हो आप कोई और स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर आपकी जॉब हो नाइन टू तो नाइन जॉब हो एंड आप साइड हासिल करना चाह रहे हैं बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एंड आप किसी चीज को लेकर होमवर्क कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं एक्सपेंशन को लेकर प्रेपरेशन चल रही है वो दिख रहा है मुझे कि आगे बढ़ना है एंड uh, और ज्यादा ग्रो करना है प्रोग्रेस करना है तो उसको लेकर रिसर्च एंड तैयारियां चलती दिख रही है मुझे हो सकता है मैरिज हो रही हो किसी की तो मैरिज भी एक्सपेंशन है फैमिली का राइट right? तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं वो भी हो सकता है कोई एग्जामिनेशन हो स्किल आप बढ़ा रहे हैं अपना एक्सपैंड कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेशन एजुकेशन कुछ वैसा हो सकता है यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस बताइए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में हमारे पास मिक्सड um, एनर्जीज हैं तो साइंस पे हम इतना नहीं जाएंगे अभी इस टाइम पे बट आई फील थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी uh, वा, वाला होने वाला है सेकेंड वीक आपका हैप्पीनेस भी दिख रही है मुझे uh, आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से um, चाहे शादी हो या फिर मे बी बेबी होने वाला हो प्रेगनेंसी अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो वो चीज हो सकती है बट लाइक योर इंटायर फैमिली इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी ठीक है तो सारा रीयूनियन मुझे होता दिख रहा है सब साथ में आ रहे हैं मिल रहे हैं सेलिब्रेट um, कर रहे हैं कोई चीज एंड कोई चीज Like, किसी चीज की खुशी मना रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं मे बी यू आर गेटिंग मैरिड और यू आर गेटिंग लाइक और यू आर हैविंग अ बेबी सम और दी अदर काइंड ऑफ अनाउंसमेंट इज गोइंग टू हैपन इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर एंड एवरी वन इज गोइंग टू बी रियली हैप्पी अबाउट इट ठीक है कपल सेलिब्रेशन मुझे ज्यादा लग रहा है ऑल्सो सेकेंड वीक में मुझे ये भी चीज दिख रही है कि थोड़ा सा सेपरेशन uh, हो सकता है सेपरेशन हो सकता है हार्ट ब्रेक हो सकता है मे बी है या मे बी हार्ट ब्रेक से आप मूव ऑन कर रहे हैं एंड um, आप, आप अपने एक नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ रहे हैं वो भी हो सकता है दैट आपके पास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ में एक्चुअली रिसेंट पास्ट में Uh, कोई हार्ट ब्रेक रहा हो किसी के साथ कोई सेपरेशन रहा हो डिवोर्स रहा हो एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन एंड मूव ऑन करके आप इस नए इंसान को अपनी लाइफ में एंटर कर रहे हैं uh, करवा रहे हैं या यू नो लाइक उसको अपना लाइफ का पार्ट बना रहे हैं सो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द ब्रेक ठीक है वो जो था आपके लाइफ um, में रिसेंट पास्ट में ही हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आप सेपरेशन में हो या जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो उसी के साथ आप वापस आ रहे हैं वेरी स्पेसिफिक मैसेज विल रेजोनेट ओनली विद अ फ्यू ऑफ यू बट वो देखिएगा आप थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस है थर्ड hmm. वीक में भी मुझे रोमांस दिख रहा है मुझे सोशलाइजिंग दिख रही है मुझे यू एंड योर पार्टनर गोइंग आउट ऑन डेट्स एंड गेटिंग टू नो इच अदर और फन करते दिख रहे हैं एंजॉय करते दिख रहे हैं बाहर जा रहे हैं एंड एक दूसरे को जानने पहचानने का प्रोसेस दिख रहा है मुझे सो लाइक बोथ ऑफ यू आर इन अदर्स कंपनी एंड लाइक मजे कर रहे हैं ठीक है अगर आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद आप जहां पे भी जिस भी फील्ड में है यू आर सोशलाइजिंग विद अदर पीपल आप नेटवर्किंग कर रहे हैं अपना नेटवर्क जो है जो सर्कल है आपका प्रोफेशनल सर्कल उसको बढ़ा रहे हैं अपने कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं मे बी आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं बिकॉज आपको कुछ Uh, काम में हेल्प चाहिए डील क्रैक करनी है आई एम नॉट श्योर व्हाट इज है बट आप बहुत सारे मे बी आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं और वहां पे आप नए लोगों से मिल रहे हैं तो वो चीज मुझे थर्ड वीक में दिख रही है मीटिंग न्यू पीपल बेसिकली ऑल्सो थर्ड वीक में अगेन देखिए सेकेंड वीक वाला जो था हार्ट ब्रेक था थर्ड वीक में यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट सो हो सकता है uh, आप में से कई लोग किसी एक इंसान के बारे में अभी भी सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था एंड यू वर लाइक वेरी ब्रोकन एंड सैड एंड यू नो लाइक कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे बट साइमल्टेनियसली यू वर ऑल्सो ट्राइंग टू मीट अदर पीपल ठीक है तो आपको ये चीज समझ आ गई थी कि इसके साथ अब कुछ नहीं हो सकता है तो मूव ऑन करना साइमल्टेनियसली नए इंसान से मिलना एंड फाइनली थर्ड वीक में यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन मे बी दो लोगों के साथ आप लाइक साइमल्टेनियसली अटैच हो रहे थे एंड आपको समझ आ रहा था कि एक इंसान जो जिसके संग सेपरेशन हो रहा है इसके साथ चीजें वर्कआउट नहीं करेगी सो आई नीड टू मूव ऑन थर्ड वीक में यू आर वॉकिंग अवे एंड यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन वर्कआउट नहीं कर रही है तो आगे बढ़ो वो वाली चीज है uh, hmm. फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स प्लीज बताइए फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज ओके एरीज देखिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे मुझे कोई चीज खत्म हो रही है एंड एक नई चीज स्टार्ट हो रही है डेफिनेटली आप अपने पुराने रिलेशनशिप मे uh, बी पुराने इंसान से थोड़ा बहुत बात कर रहे थे प्रॉपरली मूव ऑन नहीं कर रहे थे कभी कभी बात करते थे कभी नहीं करते थे एंड देन यू नो लाइक वो एक एक एफर्ट चल रहा होता है ना कि हाँ मूव ऑन तो करना है बट रह नहीं पा रहे हैं फाइनली यू आर पुटिंग एन एंड टू इट एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड फोर्थ वीक में आ, आप पुरानी चीज खत्म करके नई चीज के साथ आगे बढ़ जाएंगे यू विल रियलाइज के दिस इज नॉट वर्किंग आउट ऑल्सो जिन लोगों का रिलेशनशिप या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है अगर हम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हो सकता है आप एक जॉब छोड़ना चाह रहे हैं या किसी बिजनेस पार्टनर को छोड़ना चाह रहे हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं कभी उसके संग किसी डील में इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते हैं एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू सो वो हिट एंड ट्रायल चल रहा है बट थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक आते आते तक आप रियलाइज करो दैट दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड दिस इज अ टॉक्सिक पार्टनर बिजनेस पार्टनर एंड यहाँ पे टॉक्सिसिटी uh, इतनी है पॉलिटिक्स इतनी है कि मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा या दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट तो हो सकता है सेकेंड वीक तक आपका थोड़ा सा आपको धक्का लगे देन थर्ड वीक तक आप डिसअपॉइंट हो उस इंसान से कि ये मेरा कैसा बिजनेस पार्टनर है लाइक like, सपोर्टिव नहीं है एंड हमारी वैल्यूज मैच नहीं करती हैं या बॉस हो सकता है या टीम मेंबर हो सकता है एंड फोर्थ वीक तक यू विल पुट एन एंड टू इट एंड यू विल मूव ऑन कि यहाँ से बाहर निकलना है एंड फोर्थ वीक में आई फील जैसे ही आप उससे कट ऑफ करोगे एंड नई जॉब ज्वाइन करोगे नया बिजनेस ज्वाइन करोगे या नए पार्टनर के साथ आएंगे यू विल यूल कम्प्लीट कि हाँ यही चीज के लिए मैं बना था और ये चीज मेरी लाइफ में आनी चाहिए थी एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो पुरानी चीज खत्म कर दी एंड मैं इस नई चीज में एंटर करा यू विल बी वेरी हैप्पी आप बहुत कंटेंट जो आपका स्टार्टिंग हुई थी ना कि आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं अपना प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वही उसी तरीके से आपका एंड होगा बीच मंथ में थोड़ा सा वेव्स आएंगी अप एंड डाउन होगा बट एंड भी आपका हैप्पी होगा सेटिस्फाइड होगा फुलफिल कंटेंट जो भी बोल लीजिए सेलिब्रेशन uh, हो सकती हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेशन दिख रही हैं मुझे ठीक है तो चाहे आप कोई पार्टनर चूज करें नया या फिर आप uh, कोई नया बिजनेस नई जॉब चूज करें यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर डिसीजन इन द एंड अब हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत पैशनेट लव मिलने वाला है आपको अक्टूबर मंथ में बट आई फील आप ना अपने को स्टार्टिंग में रोकोगे क्योंकि शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो आपका हार्ट कहीं और है दिमाग कहीं और है कुछ ऐसा सा सिचुएशन हो सकती है बट यू विल हैव टू अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू टू लाइक फ्लो फ्रीली ठीक है तो आपको पैशनेट प्यार आपको मिल रहा है पैशनेट लव इज गोइंग टू कम लाइक एंटर योर लाइफ बट यू विल हैव टू अलाउ इट लाइक आपको फील करने के लिए भी ना थोड़ा सा अपना ओपन अप करना पड़ेगा हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है मुझे हो सकता है पास्ट uh, जो पर्सन था पास रिलेशनशिप था आप बहुत ज्यादा उसको डेस्परेटली चेज uh, करते थे एंड वो इंसान आपको वो चीज uh, नहीं दे पाता था रेसिप्रोकेशन कह ले लव कह ले बट यू डिजर्व लव एंड जो नेक्स्ट इंसान आएगा आपकी लाइफ में जिसके साथ आपका टेन ऑफ कप्स हमें दिखा था हैप्पीनेस दिखी थी डेथ कार्ड है पुरानी एक चीज खत्म हो रही है नई एक चीज स्टार्ट हो रही है तो नया इंसान जो है हो सकता है वो आपको इतना प्यार करे कि आप इस चीज में यकीन करना स्टार्ट कर दो दैट ओ यस आई डू डिजर्व लव यू नो एंड द लास्ट पर्सन द लास्ट माई एक्स ही और शी वॉज नॉट द राइट पर्सन ट्रू लव दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम मैंने आपको क्या बोला जिस भी पुराने इंसान से आप एग्जिट करके नए इंसान के पास जाएंगे दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रू लव अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम हो सकता है एंड करियर थोड़ा सा प्रॉब्लम करे आप दोनों के बीच में फाइनेंशियली uh, कोई स्टेबल ना हो या जॉब किसी की स्टेबल ना हो तो थोड़ा सा पैसे को लेकर या जॉब को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज का कि हाँ uh, उस उस चीज पे भी फोकस होना चाहिए कि फाइनेंसिस को भी स्टेबल बनाना है जॉब को भी स्टेबल बनाना है कंफर्टेबल लाइफ चाहिए अगर तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मे बी आप किसी को रिजेक्ट कर दें फाइनेंसिस के बेसिस पे बट वो एक्चुअली में हो आपका ट्रू सोल सोलमेट तो वो थोड़ा सा कंसिडर करिएगा उस चीज को एकदम से डिसीजन uh, लेने से पहले ओके okay, अब हम देखेंगे uh, टीली फॉर्चून डेक्स है हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी तरीके की कंसल्टेशन चाहिए आपको तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि माइग्रेन पी सी ओडी साइनस या फिर इनडाइजेशन गट इशूज एखने ये सारी चीजें हो गई या फिर अगर आपको इमोशनल इशूज हैं जैसे कि फियर ऑफ आइसोलेशन फियर ऑफ अबैंडनमेंट फियर ऑफ नॉट बींगीयर ऑफ नॉट बींग एबल टू फॉल इन लव फियर ऑफ नॉट बींग एबल टू ट्रस्ट अदर पीपल पास रिलेशनशिप इशूज हो सकते हैं ट्रामा हो सकता है चाइल्ड हुड ट्रामा हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस अब ये होते क्यों हैं क्योंकि आपके चक्रा ब्लॉक होते हैं चक्रा ब्लॉक को हम कैसे ठीक कर सकते हैं अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे जिससे आप कंफर्टेबल हो अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है किसी चीज की तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बता सकती हूँ अगर आपको लगता है कि आपको नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं तो हम आपका और क्लेंस कर सकते हैं तब तबियत खराब हो जाती है एंड बहुत चिड़चिड़े रहते हैं तो और क्लेंजिंग हम कर सकते हैं आपकी अगर आपको uh, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की या पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको देखना है कि आपका और uh, किस कलर का है एज इन लाइक आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं अभी एंड ऑल्सो आपका कौन सा चक्र अभी वीक है तभी आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है राइट right? तो ये हम आपके और देख सकते हैं बट गाइज ये सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हीलिंग uh, प्रैक्टिस में बिलीव करें एंड थोड़ा पेशेंस रखें अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए आपको लगता है मंडे को हीलिंग प्रैक्टिस करी एंड वेन्सडे तक या वन वीक में रिजल्ट आ गया और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी नहीं अगर आपको पंद्रह साल से माइग्रेन है तो मैं एक हफ्ते या दो हफ्ते में माइग्रेन ठीक नहीं कर सकती हूँ राइट right? तो पेशेंस रखिए एंड बिलीव करिए हीलिंग प्रैक्टिस में क्विक को कोईल्ट चाहिए तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू दिस ये मैजिक स्पेल्स नहीं है ठीक है तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है अदरवाइज इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी एनर्जी टाइम फॉर बोथ द पार्टीज आपका भी मेरा भी तो देन यू शुड नॉट गो फॉर हीलिंग प्रैक्टिस ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए Um, देखिए कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी प्रेजेंट है जिस जो कि बहुत अनडिपेंडेबल है ठीक है एंड इनसेंसेर है तो आप उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप um, इक पछताएंगे यू विल रिग्रेट सो समवन इन योर लाइफ इज वेरी लाइक इनडिपेंडेबल एंड सिंसेयर नहीं है ये इंसान प्रोमिस करके भूल जाते हैं uh, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप किस पे अपनी लाइफ uh, किस किस पे अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस बेस कर रहे हैं ठीक है ऑब्स्टिकल्स हैं डेफिनेटली है अक्टूबर मंथ में ओवरकम करना पड़ेगा अगर आप उनको एक जगह साइड में करके छोड़ देंगे कि हाँ बाद में देखेंगे इनको नहीं प्रॉब्लम से खट्टी होती रहेंगी आपको उनसे डील करना पड़ेगा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा यू कान बी लाइक अभी मन नहीं है बाद में देखते हैं वो नहीं कर सकते हैं आप वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा लाइक वो बढ़ती जाएंगी मल्टीप्लाई होती जाएंगी एंड देन फिर वो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स प्लीज बताइए अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सक्सेस डेफिनेटली मिल रहा है success, hai, आपको सक्सेस इज श्योर्ड बट ओनली विद गुड प्लानिंग एंड वर्क अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे आप सोचोगे कि हाँ तो कम हैं और आगे चलते हैं बढ़ते हैं और देखते हैं जो होगा होता जाएगा नहीं इन योर केस गुड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड अब होते हैं कई बहुत लकी फॉर्चुनेट लोग जो जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ती उनका लक इतना फेवर करता है उनको कि बिना मेहनत के ही चीजें वर्कआउट होती जाती है उनके लिए सो so, आपका लक भी है आपके पास प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल रहे हैं आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से बट आपको सक्सेस में लक के साथ साथ आपको हार्डवर्क एंड प्लानिंग भी डालनी पड़ेगी Uh, कोई ऐसा इंसान है अक्टूबर मंथ में जो कि आपके या आपके किसी फ्रेंड आपके एंड आपके किसी फ्रेंड के बीच में आ रहा है यू नो लाइक थोड़ा सा दिस दिस पर्सन ट्राइंग टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू आप और आपके फ्रेंड्स या फिर uh, आप और आपका कोई गोल हो आपको अगर कुछ अचीव करना हो <coughs> सॉरी अचीव करना हो लाइफ में तो उसके बीच में आ रहा है ये इंसान अब ये क्या कर रहा है जिससे आपका गोल अचीव ना हो या आपके और आपके फ्रेंड की जो रिलेशनशिप um, है फ्रेंडशिप है वो टूट जाए तो क्या एग्जैक्टली exactly कर रहे हैं आई एम नॉट श्योर बट दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ रिफ्ट एंड लाइक डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं किसकी बात आप सुन रहे हैं हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे ये इंसान एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर यूनिवर्स प्लीज बताइए ओके देखिए दोनों कार्ड हमारे पास ऐसे रिलेटेड हैं एक है हमारे पास प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स और दूसरा है बिवेयर ऑफ क्रीड अक्टूबर मंथ में यूनिवर्स uh, आपको टेस्ट करेंगे मटेरियलिस्टिक चीजें आपको दी जाएंगी बट कहां पे आप अपने आप का लाइक अपने आप पे फुल स्टॉप लगाते हैं कि हाँ ठीक है मटेरियलिस्टिक चीजें मिल रही हैं जरूरी है बट ग्रीड कहाँ पे आके लाइक लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं आप सो so, कई चीजें आपको मिलेंगी बट अगर आप और चाहिए और चाहिए और चाहिए पैसा आ रहा है या मटेरियलिस्टिक चीजें आ रही हैं या कोई भी चीज आ रही है तो अगर आप और की इच्छा करते रहेंगे एंड ग्रीड को ओवर पार कर लेने देंगे अपने ऊपर तो आई थिंक वो चीजें रोअन कर देगा आपके लिए सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इट कम्स टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड इट कम्स टू लाइक आपका सेटिस्फैक्शन लेवल किस चीज पे जाके आप सेटिस्फाई होते हो तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करिए थोड़ी अपनी नीड एंड वांट्स पे कंट्रोल करिएगा अक्टूबर मंथ में बिवेयर ऑफ ग्रीड ज्यादा और और चाहिए और चाहिए उसकी इच्छा अगर करते रहेंगे करते रहेंगे तो उस पर कोई कहां पे जाके वो रुकेगा वो चीज आपके लिए और प्रॉब्लमैटिक हो सकती है अक्टूबर मंथ में थोड़ा उस पर ध्यान रखिएगा चीजें तो डेफिनेटली आ रही यस मोर लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से एरीज अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई यू नो द ड्रिल लाइक करिए वीडियो शेयर करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय